સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે જિલ્લામાં પ્રથમ બીએસએનએલ 4G સેવાનો પ્રારંભ તો બીએસએનએલના મહાપ્રબંધક સવનકુમારના વરંદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો. પ્રાંતિજ શહેરમાં આજથી બીએસએનએલ 4G સેવાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે જિલ્લામાં પ્રથમ શરૂઆત થઈ તો આ સેવાનો પ્રારંભ બીએસએનએલના પ્રધાન મહાપ્રબંધક શ્રવણકુમારના વરદ હસ્તે આ ઉપયોગી અને આધુનિક સેવાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. તો ગુજરાત સકલ બીએસએનએલના મહાપ્રબંધક ડોક્ટર પીકે ઓતા જોડે વિડીયો કોલિંગ કરી સેવાની વિધિવત રીતે ખુલ્લી મૂકી હતી. તો બીએસએનએલ મહાપ્રબંધક શ્રવણકુમારના જણાવ્યા પ્રમાણે ટૂંક સમયમાં જ આ સેવા સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાલુ કરવામાં આવશે. તો આ પ્રસંગે બીએસએનએલના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, નગરજનો, બીએસએનએલ સિમ કાર્ડ ગ્રાહકો, બીએસએનએલ ડીલરો સહિત લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજય રાવલ, ZS TV, પ્રાંત. पहले तो मैं प्रांतीय शहर के सभी जो बीएसएनएल के उपभोक्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं. और यहां के कस्टमर सबसे भाग्यशाली हैं कि हिम्मत नगर SSA के अंदर जो है साबरकांठा और जो है अरावली दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इन दोनों में अभी कहीं भी 4G सेवा नहीं प्रारंभ की गई थी, लेकिन मैंने सबसे पहले प्रांतीय शहर को चुना है. और यहाँ के कस्टमर का इंटरेस्ट देख करके, यहाँ का पोटेंशियल देखते हुए मैंने ये जो है आज से 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च किया है. और इसके चालू होने के बाद जो है जो हमारे उपभोक्तागण हैं उनको जो है बहुत सुविधा होगी. वैसे तो हमारी जो 3G सेवाएँ थी वो भी इट्सेल्फ बहुत बेहतर थी, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनसे हमारी जो 3G की सेवा उनके 4G से भी बेहतर थी. लेकिन अब 4G के चालू हो जाने के बाद अब जो है डेटा की स्पीड बहुत हाई होगी, साथ ही साथ जो है उनको वो 2G की जो सर्विस है वो मिलती रहेगी. लेकिन इस मौके पर मैं जरा ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि खास करके जो उपभोक्तागण हैं, अगर साल दो साल के अंदर जो एंड्रॉयड अगर जो है मोबाइल वो ख़रीदे हैं तो वो कंपेटेबल है, वो काम करेगा. लेकिन जिनके पास सिम जो है पुरानी है वो तुरंत ही जो है यहाँ मेन टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग जो है प्रांतिज है, जहाँ पर हमारे जो है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर मिस्टर पंकेश हैं, उनके यहाँ आ करके और 4G की सिम ले लें, और वो सारी 4G सिम जो है हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे. इसके लिए हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करेंगे. और आज हमने प्रांतीय शहर में 4 हमारे जो BTS हैं वो 4G के लॉन्च किए गए हैं. तो इस तरीके से बहुत ही बेहतर सेवा जो है प्रांतीय शहर को मिल रही है. इसके अलावा अब हम जो है धीरे धीरे पूरे जो है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट और अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल 100 स्थानों पर जो है हमारी तैयारी हो चुकी है, वहाँ पर भी हम 4G की सुविधा लॉन्च करेंगे.